नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तेजी से। अस्पताल के बद इंतजाम देखकर एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है, वहीं हम अगर बात करें सरकार की नींद अगर किसी ने उड़ा रखी है तो वो है बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि NDA के घटक दल चिराग पासवान उसके प्रेसिडेंट हैं। आपको पता है हम आज बात चिराग पासवान की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि केंद्र ने जो स्पेशल टीम भेजी है बिहार स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी लव अग्रवाल समेत जो 3 अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने बिहार का दौरा करना भी शुरू कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करें तो साफ दिख रहा है कि BJP के साथ LJP के रिश्ते बिल्कुल अटूट दिख रहे हैं, लेकिन JDU की खैर नहीं है, ऐसा साफ साफ इशारों में LJP कह रही है। ऐसे में जब NDA का चिराग उन्हें उजाला दिखा रहा है फिर भी JDU को पता नहीं क्यों ये उनकी बातें जो है रास नहीं आ रही हैं और JDU पर साफ साफ दिख रहा है जैसे कि हमलावर है LJP। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि NDA का चिराग उन्हें उजाला दिखा रहा है तो क्या कुछ कहते हैं वो जरा सुनिए। नहीं, NDA का चिराग तो उन्हें उजाला दिखा रहा है लेकिन क्या फिर भी वो अभी अंधकार में ही है? देखिए, बुरे वक्त में सब लोगों को मिलजुल करके एक इंसानियत के नाते लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ नजर आ रही है? EVM मशीन पर खड़ी है, EVM मशीन पर खड़ी है। अस्पताल में देखिए क्या DM SP को भर्ती कराने में कोई मदद कर रहा है? लोगों के इलाज के लिए मदद कर रहा है कोई? लोग मर रहे हैं, थोड़ा सा भी लोगों का दिल नहीं पिघलता है? और जो कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं, EVM पकड़े हुए हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो जिनकी मौत हुई है, सरकार क्या करेगी उन कर्मचारियों के लिए? वो जान पे खेल रहे हैं, EVM में लगे हुए हैं। अरे लोगों की जान बचाइए, अस्पताल के बाहर जाके देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों में लाइन लगा हुआ है, अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई हाइजीन व्यवस्था नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, बेड हो गया तो खाली है। एम्स में VIP लोग के लिए है, आम लोग कहाँ जा पा रहे हैं? आखिर सवाल, सत्ताधारी दल कह रहा है कि तेजस्वी यादव निगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। हम तो नहीं डराएंगे, डराने वाला तो नीति आयोग है कि डरा दिया कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। तो आपने सुना जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट ने ही बिहार को फिसड्डी बता दिया है, आगे कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साफ साफ कहते रहे हैं कि बिहार में चुनाव कराने का ये सही वक्त नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी कहा कि बिहार में चुनाव कराने का सही समय नहीं है। BJP के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं, चिराग पासवान अक्सर BJP के कामों की तारीफ किया करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का आभार व्यक्त करती है, लेकिन JDU के साथ जो रिश्ते गड़बड़ाए हैं, आगामी चुनाव से पहले क्या NDA एक साथ रह पाएगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष में जितने नेता हैं, हम RJD के विधायकों की बात करें, कांग्रेस के विधायकों की बात करें, वो भी अब ये कहने लगे हैं चिराग पासवान बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब कहा है कि सभी आंकड़े जब सामने में दिख रहे हैं तो कौन ऐसा भला व्यक्ति है जो सरकार के बद इंतजामात पर सवाल खड़े नहीं करेगा? देखने वाली बात यह है आगामी चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां जो हैं वो कितनी बढ़ती है। बिहार में आंकड़े 27,000 से पार हो चुके हैं, रिकवरी दर जो है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है, 63% तक रिकवरी दर पहुंच चुका है। ऐसे में अब चिंताएं लोगों की बढ़ने लगी हैं, निजी अस्पतालों में तो इलाज हो सकेगा COVID-19 का, 20 से 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। ऐसे में देखते हैं आगे क्या कुछ उथल पुथल होता है बिहार की राजनीति में और कोरोना से कब तक निजात मिल पाता है लोगों को। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।